आप दिखाई दे गए दूरी से, मुझे दाढ़ी टोपी दिखी तो मैंने कहा ये तो आदिवासी इलाका है, कहाँ आप टीवी में आते बराबर है, टीवी में आते ना आप? हाँ मैं आता सुना पूछो ना हमारा, आप देखते हो आप भी? हाँ वो आज देखते ना, हम देखते ना सर। अरे यार मुझे तो बड़ी खुशी हो गई, यहाँ ये इतना अंदर आदिवासी इलाके में आने पे भी लोग पहचान रहे। हम देखते ना आपका चैनल, देखते रहे, बिल्कुल बढ़िया चैनल है और अच्छे समाचार आते हैं उसके अंदर। हमारा काम ठीक है? बहुत बढ़िया है। तो आप हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए ना क्या। इस इलाके में मुस्लिम्स भी रहते हैं क्या? जी जी। कितने? यहाँ पे 40 मकान हैं। और कब से रहते हैं? तकरीबन 70 साल हो रहे हैं। हाँ। मैंने सोचा ये पूरा आदिवासियों का इलाका है। हमारा जो है, हम बहुत पुराने रहवासी हैं यहाँ के। हमारे दादा जो है यहाँ से अंदर 50 किलोमीटर बेलकुंड जंगल है, वहाँ पे खानसामा थे वो अंग्रेज के टाइम पे, और उसके बाद में फिर उनका इंतकाल हो गया, फिर इधर होते हुए ऐसे देहात होते हुए फिर यहाँ बसे आगे। और मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता हूँ, इमामत करता हूँ जी। तो मदरसा भी है? हाँ मदरसा नहीं, मकतब है छोटा, मतलब बच्चे पढ़ते हैं उसमें, तकरीबन 40 बच्चे हैं। तो मुसलमानों में इधर के माहौल क्या, किस पार्टी का? इधर तो सर अभी समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या करना, किसको वोट देना, फिर भी वक्त बताएगा किसको देना है। ज़्यादातर मैंने यहाँ जो आसपास और अगल बगल के इलाकों में बात की, उसमें ज़्यादातर लोग इस इलाके में बीजेपी और शिवसेना शिंदे की बात कर रहे थे, और ये लाड़की बहना योजना का असर होते इधर दिख भी रहा है। आप भी मानते हैं ऐसा? सर ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि भाई भी बैठे हैं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ज़्यादा असर तो अपने कांग्रेस का और अपने राजकुमार पटेल का लग रहा है। वो प्रहार पार्टी वाले? हाँ राजकुमार पटेल प्रहार। इधर गेहूँ क्या क्या, ये क्या फसल, ये तो सोया मक्का है, मक्का मक्का मुझे हाँ। दूर से वही मैं कहूँ कि अभी तो गेहूँ मक्का होता है, गेहूँ लगने का टाइम आ रहा है, ये मक्का। हाँ मक्का ज़्यादा होता है? हाँ मक्का ज़्यादा होता है, मक्का सोयाबीन गेहूँ। आप लोगों की खेती है? हाँ खेती है ना। क्या आपको क्या लगता है बताओ, किसके बारे में, काय के बारे में? चुनाव, चुनाव के बारे में राजकुमार भैया का है चांसेस, क्योंकि पुराने रहवासी यहाँ के धारनी के, और ये धारनी तालुक के में आता हमारा गाँव हरी साहब, और दो कैंडिडेट जो खड़े हुए तो वो उधर के कैंडिडेट खड़े हुए चिकलदार के, राजकुमार भैया का इधर चांसेस अच्छा होल्ड हो, काम भी अच्छे करे, सबके सुख दुख में आते हो, वो हिसाब से भैया के चांसेस। अरे योगी जी भी अमरावती में आए हैं, बटेंगे तो कटेंगे का नारा मार रहे, क्या कुछ असर है? नहीं सर कुछ ऐसा लगता नहीं है, कुछ ऐसा लगता नहीं ना, हमारे इधर तो माहौल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे इधर ऐसा जातिवाद वगैरह कुछ भी नहीं है, सब अच्छे मिलजुल कर रहते, आदिवासी है सभी। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता, कुछ कहना आपको, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ योगी आदित्यनाथ की एक जनसभा में जो अमरावती में आए हुए, थोड़ा वहाँ का माहौल देखिए, और आज माहौल वहीं पर खत्म हो जाएगा। बटेंगे तो कटेंगे बयान देकर पूरे देश में चर्चा है योगी आदित्यनाथ की, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भारी डिमांड है। मैं अमरावती के एक ग्रामीण इलाके से भीलघाट की तरफ जा रहा था, तब तक ये देखिए मैंने देखा योगी आदित्यनाथ की एक जनसभा है, और आप देखिए इस ग्रामीण इलाके में किस कदर भीड़ यहाँ पर उनको सुनने के लिए आई है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अमरावती के जो आसपास के विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में हवा बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ अमरावती के दौरे पे हैं। अभी छत्रपति शिवाजी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन आपको पता ही है कि बोलते बोलते थोड़ा सुनी लेते हैं एक दो मिनट। किसी महान क्रांति को स्वाधीनता का एक अभियान बता करके प्रथम स्वतंत्र समर का रूप देने
बड़ा कार्य अगर किसी ने किया है तो वीर सावरकर ने इसी धरती से किया था। और पूरे देश में एक विधान हो, सब समान हो, यह भाव जागृत करने का कार्य भी इसी पावन धरा से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। भारत के अंदर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए नए भारत को, यह भाव भी आज के भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में श्री नितिन गडकरी जी ने पूरे भारत को दिया है। और हिंदू संगठन का कार्य कैसे होना चाहिए, इसी महाराष्ट्र की धरती में, नागपुर की धरती में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसा दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन भी दिया है। और इसीलिए महाराष्ट्र भारत की तेरा स्थली है, और इसलिए इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहन और भाइयों, विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, अब जरा मैं यहाँ कुछ लोगों से बात करता हूँ। वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, किसको देखने आए? हम योगी आदित्यनाथ जी को देखने को आए। क्यों? योगी आदित्यनाथ जी ने लगाया था नारा, बटेंगे तो कटेंगे, सब हिंदू एक जगह होंगे तो भारत अच्छा रहेगा। इस बारे में हम देखने को मोदी योगी जी को आ गए। लेकिन एक मुख्यमंत्री को बटेंगे कटेंगे कटेंगे शब्द बोलना चाहिए? नहीं बोलना, नहीं बोलना चाहेंगे तो यह ऐसा नहीं है। उसका मतलब बटेंगे कटेंगे का उसका मतलब वैसा नहीं है कि बटेंगे तो कटेंगे, उसका मतलब अलग लगा रहे हो। अपन जब एक जगह पर आएंगे वोट मारेंगे तो उसका मतलब वो है कि एक जगह आओ वोट मारो, उसका मतलब ये नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, किसका गला काटेंगे ये भी नहीं है। अब उसका मतलब ये है कि तुम एक जगह आओ और वोटिंग करो, नहीं तो लोग उसका मतलब अलग निकाल रहे। बटेंगे तो कटेंगे इसका मतलब ऐसे लगा रहे कि किसका गर्दन काटो, ये नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि तुम बटेंगे तो अब अपने धर्म हिंदू धर्म का जो कुछ भी है वो खतरे में है, इसलिए ये कहो नेक रहो और अपने कमल को वोट दो। आपका क्या मामला? मेरा भी वही मामला है, अपनी अपनी सोच रहती है हर एक जनों की, जैसा देश वैसा भेष। अगर कोई बोलता भी है तो हिंदुस्तान में कोई गलत तो नहीं है जो बोले योगीनाथ जी, ऐसा थोड़ी, अपनी अपनी सोच है, जो अपने सोच के हिसाब से जो लगाते हैं। तो योगी जी के बारे में आपकी क्या राय? उनके बारे में अपनी सोच रखना यही सबसे ऊंचा हमारा काम है। योगी जी के बारे में मतलब आप क्या सोचते हो? क्या सोचेंगे? जो है वह उनके सोच के लिए अपना सर उत्तर नहीं है ना सोचने के वास्ते। जो उनके जगह पे है अपन की जगह पे है। और दूसरी तरफ आप योगी आदित्यनाथ के देखने आए, सुनने आए, और उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? योगी